दुनिया में स्पेस के लिए एक रेस चल रही है, मुकाबला है अंतरिक्ष में सबसे पहले अपने पैर जमाने का। कोई चांद पर बेस बनाना चाहता है तो कोई मंगल ग्रह पर अपनी कॉलोनी। इसी बीच काजिमा कंस्ट्रक्शन की मदद से जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम अंतरिक्ष शहर और पृथ्वी, चंद्रमा और मंगल को जोड़ने वाली इंटरप्लेनेटरी ट्रेनों का निर्माण किया है। अभी बस इसका एक मॉडल तैयार हुआ है और पिछले हफ्ते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम ने ग्लास स्ट्रक्चर विकसित करने की भविष्य की घोषणा की है। ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें इंसान जीरो ग्रेविटी में आसानी से रह पाएंगे। इसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी के साथ साथ हरी घास, वाटर सिस्टम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी होगी। पिछले हफ्ते ही इसके अंदर नदियां, पानी और इंसानों के रहने के लिए पार्क जैसी सुविधाओं को दिखाया गया। इसका आकार एक उल्टे कोन के जैसा है जो कि 1300 फीट का होगा और इसका रेडियस 328 फीट का होगा। साइंटिस्ट का मानना है कि इसका मॉडल 2050 तक ही तैयार हो सकता है। और इसके साथ साथ साइंटिस्ट इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी सपना देख रहे हैं जिसे हेक्सा ट्रैक कहा जाता है। ये कैप्सूल की तरह होगा जो कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी में इंसान को धरती से चांद की तरफ ले जाएगा। ये कैप्सूल और ट्रेन सिस्टम पृथ्वी, मंगल और चांद को एक साथ कनेक्ट कर देगा। पृथ्वी के स्टेशन को टेरा स्टेशन कहा जाएगा और जबकि इस ट्रेन को स्पेस एक्सप्रेस। तो गाइस क्या आप तैयार है इस पे बैठने के लिए?